झांक कर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं। एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे साहब गठबंधन की सरकार चलाने का बड़ा तजुर्बा है। सवाल खड़ा हुआ कि साहब कौन सा तजुर्बा है, आपने कौन सी गठबंधन की सरकार चलाई? 5 साल जो सरकार चलाई उसमें तो आपके सारे जितने सहयोगी थे वो गालियां दे रहे थे आपको, या बहुत सारे सहयोगी आपके छोड़ के चले गए, या आपने एक डायलॉग रचा मोदी सरकार, कभी एनडीए सरकार नहीं बोला, तो तजुर्बा किसे कह सकते हैं उस पर गौर करेंगे। दूसरी एक चीज आपको बता दूं जो इंटरव्यू वाली बात है, इससे मुझे आता है इंटरव्यू का जो दौर अब दिखाई दे रहा है इसे मैं ले जाना चाहता हूं। पिछले 2018 में सबसे बड़ा इंटरव्यू बताया था सुधीर चौधरी ने, जी न्यूज वाले आप जानते होंगे, वाई प्लस सिक्योरिटी में घूमते हैं जब से निकल गए हैं तिहाड़ जेल से, ठीक है। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में जेल गए थे, रहमो क्रम पे रहे मोदी सरकार के, 100 करोड़ रुपए वाला मुकदमा उनसे खैर हट गया पर जेड प्लस में घूम रहे हैं। उन्हें एक इंटरव्यू दिया था 2018 में, तब से इंटरव्यू देने शुरू किए थे साहब ने ज्यादातर, उसमें कहा था पकोड़ा भी रोजगार होता है, वहां से फजीयत होनी शुरू हुई थी। 2018 में इतनी फजीयत हुई कि 5 राज्यों की इनके हाथ से सरकार चली गई, जिस तेलंगाना में इनके पास 5 सीटें हुआ करती थी वो हार गए, उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए, मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए, राजस्थान में उपचुनाव हुए, बहुत सारी जगह जो उपचुनाव हुए वहां पे हार गए। तो इंटरव्यू जो है वो कितने काम आएंगे वो आने वाला वक्त बताएगा, 23 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, आज शाम तक बहुत सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी क्योंकि एग्जिट पोल आ जाएगा। पर मैं बात करना चाहता हूं कि क्या वाकई में गठबंधन को साथ लेकर चलने का तजर्बा है साहब के पास, और ये किस जमाने की बात कर रहे हैं, तो इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे सियासत की बात अनीस अहमद खान के साथ के ताजा एपिसोड में। साहब कह रहे हैं कि मुझे तो गठबंधन का बड़ा तजर्बा है। हाँ, तजुर्बा तो है उनको गठबंधन का, जैसे उन्होंने एनडीए से गठबंधन किया, जीते उसी की वजह से। भाई ये कहते हैं कि हम बीजेपी की इतनी सीटें हैं, लेकिन इसमें जो गठबंधन की सरकार पार्टियां थी उनके वोट भी तो मिले इनको, तभी तो आगे बढ़े। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा, जैसा आपने अभी बताया है कि एनडीए, इन्होंने कभी नहीं कहा मोदी सरकार ही चला है ये, जबकि एनडीए सरकार थी, मनमोहन सिंह यूपीए सरकार कहते, मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार नहीं कही जाती थी। इन्होंने एक जो आप बात कर रहे हैं ना, एक बड़ी वैसे मजेदार बात करते हैं जो हंसने की भी दिल करता है और याद रखने को दिल करता है कि मैंने भी ऐसा प्रधानमंत्री झेला है, चाहे अगली बार जीत के आ जाए लेकिन तबीयत खुश कर देते हैं पत्रकारों की, कभी कभी ऐसी बात करते हैं मैं तो खुश हो जाता हूँ। इन्होंने टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, आजकल चलन चला हुआ है कि कहीं भी जाके टीवी चैनल इंटरव्यू ले लेते हैं, बड़े जबरदस्त इंटरव्यू देते हैं। मोदी जी तो चाय पीते दौड़ दौड़ के घूम रहे हैं, नहीं मोदी जी का बुला लीजिए बेचारे, मोदी जी की बात, मोदी जी चाय पीते हुए भी इंटरव्यू देते हैं, फिर आम खाते हुए इंटरव्यू देते हैं, कुल्फी कैसे खाई जाए वो भी बताते। उन्होंने तो एक इंटरव्यू बताया कि वो रोटी बेलते थे और आधे बाय का कपड़ा पहनते थे। इस इंटरव्यू उन्होंने बताया कि उनको गठबंधन सरकार चलाने का बहुत पुराना तजुर्बा है। तो मैं क्यों ना सवाल खड़ा करूं कि उन्हें कहां तजुर्बा, मुझे मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि पहले तो ये शायद एनडीए को कह रहे हैं, मैंने कहा एनडीए तो गठबंधन था ही नहीं, एनडीए तो मोदी सरकार थी। फिर मुझे याद आया कि ये जब जनरल सेक्रेटरी थे उस जमाने में, उनके जमाने में मैंने देखा, मतलब फिर इतिहास में चले गए, गूगल किया मैंने, फिर इतिहास में चले गए, इतिहास में ही रहते हैं, इतिहास गूगल किया मैंने कि कहां, तो जब ये थे जनरल सेक्रेटरी तो उस जमाने में बंसीलाल ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी गठबंधन की, वहां पे ये वहां के हरियाणा के प्रभारी हुआ करते थे। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार इनकी उसमें बनी है, जनरल सेक्रेटरी के जमाने बनी है। इसके अलावा तीसरी बनी थी चमन भाई पटेल की, जो उसमें बनी थी गुजरात में। ये 3-4 सरकारें जो कॉल्यूशन गवर्नमेंट बनी, जिसको कॉल्यूशन गवर्नमेंट कहते हैं, इसको ये कह रहे हैं कि मैंने मुझे गठबंधन सरकार चलाने का बड़ा तजुर्बा है। ये सब है ना, ये फ्रस्ट्रेशन है इनका, नहीं इनको कैसे तजुर्बा हुआ, पहले मेरा सवाल यही है ना जी, सरकार में थे ही भाई साहब, ये जब जो सरकार इन्होंने लीड की है वो वाली कांग्रेस की, के भाई हमारी शादी पड़े ही नहीं है पर बारात तो हमने बहुत की है वो वाली, वही वाली क्योंकि ये जितने साल भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं गुजरात के, तो सिंपल सरकार बनाई है, फुल मेजोरिटी से सरकार बनाई, यहाँ भी आए तो फुल मेजोरिटी से बीजेपी आई है, बाकी जो थे इन्होंने साथ लगाए रहे हैं। क्या आपको लगता है इनके व्यवहार में है कि संगठन का सम्मान करना, उनको सहयोगी साथ लेके चलना, उनको वही सम्मान करना दिखता है आपको? देखिए
कुछ भी कह लीजिए, जो हमने हिटलर को बहुत पढ़ा है, हर आदमी ने पढ़ा है, क्योंकि मैन कैफे जो हिटलर की है वो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। मैंने भी पढ़ी है कि हिटलर क्या था, उसमें निकल के आता था हिटलर में जितनी भी खासियत थी, जितनी भी उन्होंने विशेषताएं बताई हैं हिटलर की, वो हमारे श्रीमान मोदी जी में होती है। कि एक तो ये हाथ उठा के भाषण देते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं पार्लियामेंट में, यूं यूं और झूठ, और झूठ इस अंदाज में बोलते हैं कि जिस जैसे लगे लोग सब जानते हैं। लेकिन आप गठबंधन वाले आप जानने लगे ना, गठबंधन तो कहीं किया ही नहीं इन्होंने। नहीं नहीं, गठबंधन में इन्होंने किसका सम्मान किया? पीडीपी इनको छोड़ के चली गई। देखिए गठबंधन का, देशम पार्टी इनको छोड़ के चली गई। आप ही देखिए इनका, देखिए गठबंधन कैसे रहा, आठावले आरपीआई के, वो इनके गठबंधन में भी है। और मध्य प्रदेश से उन्होंने इनके खिलाफ 5 कैंडिडेट खड़े किए हैं, सतना से लेके और यहाँ चंबल की घाटी तक 5 कैंडिडेट। साथ वो भी तो लालची है ना सत्ता के, दलितों पे कितना ये अपमान हुआ। नहीं नहीं दलितों पे कितना, वो हम नहीं, यहाँ बात कर रहा हूँ नहीं, क्योंकि वो भी इनके साथ नहीं। मैं यहाँ पे सम्मान की वजह से नहीं, इनके यहाँ पे इस बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इन्होंने उन्होंने बार्गेनिंग की इनसे, अगर ऐसी बात होती तो निकाल देते कि नहीं अठावले आप जाइए। इसी तरीके से आप देख लीजिए कि रामविलास पासवान खुला, तो ये तो अच्छी तारीफ वाली बात है ना। मुझे मुझे राज्यसभा की टिकट सीट दीजिए, असम की सीट दे दी उनको राज्यसभा से जो खाली हुई है, मनमोहन सिंह की खाली होगी। इसके अलावा कितनी सीट दी है उनको, 6 लोकसभा की दी है, अपनी ही काट के दी है, मोदी जी की नहीं दी है, काट के बिहार से उसकी जो चीफ मिनिस्टर हैं अपने नीतीश कुमार की सीटें नहीं काटी, अपनी सीटें काट के उनको दी है। इसी तरीके से आप लगा दीजिए पीडीपी इनसे नाराज हुई, उसने क्योंकि इन्होंने बड़ा बड़ा वादा किया था कि आपको हम स्पेशल स्टेटस दे देंगे, वो अलग कर दिए, बिहार को भी कहा था। लेकिन नीतीश जी की अगर हिस्ट्री देखें आप, कंफ्यूज कर रहे हैं आप खबर में सर, और खबर में ऐसे आप कंफ्यूज कर रहे हैं। इस तरीके से तो ये हुआ कि नरेंद्र मोदी में इतनी क्षमता है कि वो अपने सहयोगियों के अपने साथ जोड़ सकते हैं झुक के, ये तो अच्छी बात है। नहीं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी क्या बात है, अच्छी बात मान लीजिए। नहीं आप ब्लैकमेलिंग, आप ब्लैकमेलिंग से जुड़ रहे हैं इसके माने देखिए साहब, आप कह रहे हैं मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कहीं कमजोर कहीं भी मजबूत नहीं थे, इनका तो एक हवा खड़ा किया गया है कि मजबूत थे। आप कह रहे हैं संगठन की इनको अच्छे से चलाने की अकल है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर अगर अकल होती तो अगर अकल होती इनमें तो एक पासवान का लड़का इनसे बार्गेनिंग ना करता, पासवान ने नहीं की बार्गेनिंग। नहीं नहीं वो तो हिटलर सही होती, यहाँ पे तो अच्छी बात है। अगर पासवान के लड़के को इन्होंने 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा दी, नीतीश कुमार को अगर इन्होंने 17 सीटें दी लड़ने के लिए और अपनी 22 सीटों में से खुद 17 पे लड़ रहे, तो ये तो अच्छी बात है ना। गठबंधन के पास तो अच्छी तमीज है। कहाँ गठबंधन की तमीज है भाई सर, अपने सहयोगियों को जाने नहीं दे रहे, उन्हें जाने नहीं, आप झुके कर रहे हैं। और गठबंधन की बात कैसे कर रहे हैं, इनको चलाने की बात आपने की ना, उस चलाने के बाद देखिए कि अगर 2014 से 2019 तक 18 तक देखिए तो ये माइनॉरिटी में आ गए थे, उतनी सीटें नहीं थी, इनके ही आदमी हारते चले गए, अलग होते चले गए, हारते चले गए, अलग होते चले गए पार्लियामेंट से। तो ये कोई अच्छी बात है? आप इसको महिमा मंडित करें कि सर ये तो अच्छी बात है ना कि इतना सब कुछ हुआ, जीएसटी आया, नोटबंदी आया, दलितों पे हमले होते रहे, फिर भी इनका कोई सहयोग इनको छोड़ के नहीं भागा टीडीपी के अलावा, छोड़ के नहीं भाग। इन्होंने बार्गेनिंग की है, बार्गेनिंग की, ठीक है जोड़ा, ये तो कला है ना। नहीं नहीं ये कला नहीं है, देश के लिए कला नहीं है, अपनी सरकार चला रहे हैं, देश के लिए कला नहीं है, ये तो थूक के चाटना है, वो अलग बात है। आप अगर सहयोगियों को भागने से रोका नरेंद्र मोदी ने, ये तो कला है वाकई में। आप उसको कला कह दीजिए, कला कह दीजिए, जेब काटना भी कला है। जब गांधी जी ने कहा था, जब उनसे कहा गया कि ये आरएसएस में बड़ा डिसिप्लिन है, तो उन्होंने कहा हिटलर की जो नाजियों में डिसिप्लिन है बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, उस जमाने में नाजी थे, उन्होंने कहा नाजियों में भी डिसिप्लिन होता है, फासिस्ट में भी डिसिप्लिन होता है। ठीक है, फासिस्ट तो आप तो उसको कहते हैं कि भाई डिसिप्लिन तो उसमें कम से कम मानिए दो भाई, आपका सहयोगी आपको छोड़ के नहीं भाग रहा है, आप अपनी 5 सीटें छोड़ के जेडीयू को अपने साथ रख पा रहे हैं, ये कितनी बड़ी कला भाई। वो जूते भी देख खिला रहा और प्याज भी खिला रहा है, इनके गठबंधन का जो थे उन्होंने इनको जूते भी मारे और प्याज भी खिलाई है, अब बात सामने आ रही है। लेकिन ये खाते रहे, ये खाते रहे, आया अभी ये खाते पड़े, इन्होंने झुक के बात की हो, लेकिन गठबंधन तो बचाए रखा ना, ये तो बहुत बड़ी बात है।
और कांग्रेस किसी से गठबंधन नहीं कर पाई। यूपी देख लीजिए, सपा बसपा आरएलडी साथ लड़ रहे हैं, उसे नहीं लड़ा रहे। आप उसकी एक अलग बात होगी तो मैं बताऊंगा, वो गठबंधन नहीं कर पाए, उसका आउटकम अब सामने आ रहा है। वो जो आए अलग बात है, नहीं लेकिन इसमें तो आपको नंबर देने पड़ेंगे। लेकिन लेकिन जो उनका यूपीए का गठबंधन था वो अब तक है, वो ठीक है। हाँ, लेकिन कांग्रेस का जो यूपीए का गठबंधन था, यूपीए का, पर गठबंधन का तो तजुर्बा है, ये तो बात माननी पड़ेगी नरेंद्र मोदी की आपको। उन्होंने देखिए शिवसेना गालियां दे रही थी, उनको चोर तक छाप दिया है सामना के अंदर, और उन्होंने शिवसेना के साथ आज भी आप उसी बात में तो आ गए कि वो चोर कह रहे हैं, चौकीदार चोर इन्होंने कहा और वो भाषण दे रहे हैं। आप समझ ही नहीं, कला हुई ना नरेंद्र मोदी का, टेलीविजन लगा लगा के इनकी बुराइयां बता रहे हैं, ये देखिए उसको भी आप मान लीजिए कला है ना, ये तो उसे साथ रख रहे हैं। कितना बड़ा दिल है, पर मेरा मानना यह है कि एक कला है कि उन्हें गालियां भी दी गई, उन्हें भला बुरा भी किया, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने सहयोगों को छिटकने नहीं दिया, अपने साथ रखा। तो मान लेते हैं कि हाँ, नरेंद्र मोदी को संगठन की सरकार चलाने का तजर्बा है। आने वाला वक्त क्या होगा, 23 तारीख को फिर आपसे बात करेंगे। वैसे एग्जिट पोल के बाद भी कल हम एक खबर आपके सामने रखेंगे, तमाम एग्जिट पोल जो हैं वो क्या कहते हैं, हम सबका पीएम का पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये अपडेट था, मुझे लगा आप तक आना चाहिए। कैसी लगी आपको हमारी कोशिश, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए मेरा भी कभी कभी मन करता है, वो आपने देखा होगा न्यूज़ 18 वाला ऐसे गिर के बात करता, ऐसे गिर के बात, मैं भी सोचता हूँ कभी गिर के बात करता हूँ, इसलिए मेरी गर्दन घूमने लग जाती। कैसी लगी है आपको हमारी खबर, फिर ऐसे किसी सुलगते हुए मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।